नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कार्तिक मास शुरू हो गया और बड़ा उत्तम उन्माद आनंद का यह मास है। इस मास के अंतर्गत जीवन का जो दिनचर्या है वह विपरीत हो जाता है, अर्थात अब गर्मी के मौसम से हम लोग सर्दी की तरफ चल रहे हैं और धीरे धीरे शरीर में भी परिवर्तन, विचार आचार व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाता है। इन्हीं के अंतर्गत कार्तिक मास 9 तारीख को पूर्णमासी थी, 10 तारीख से कार्तिक मास का पहला दिन शुरू हो गया, कार्तिक स्नान। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो प्रतिदिन प्रातःकाल 4 बजे उठ करके भगवान का ध्यान करके और इस कार्तिक मास में अपने शरीर को स्वस्थ बलवर्धक रखते हुए आनंद की प्रतिभूति कर सकते हैं। आइए, इन्हीं मास के अंतर्गत बड़े सुंदर सुंदर त्यौहार आते हैं और एक सर्वोपरि त्यौहार जो पति पत्नी के अटूट प्रेम के संबंध का प्रभाव है, जिसका नाम है करवा चौथ। ये करवा चौथ का व्रत जो है देवियां, विशेषतः उनका प्रमुख त्यौहार भी है, देवियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह त्यौहार जो है 13 अक्टूबर 2022 को शुरू है। इस दिन विशेषतः आपस में प्रेम के संबंध के प्रभाव को मान्यता दी गई है। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दय व्यापनी चतुर्थी में किया जाता है। ये स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां स्वपति के रक्षार्थ एवं दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिक आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिक आदि के चित्र पर दीवार पर पिसे लेपन से बनाना चाहिए। 10 दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ, चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनानी चाहिए। कोई कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा दान प्रदान करती है। कार्तिक मास के चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के दिन लकड़ी का पाट पूर कर उस पर जल का भरा लोटा रखें। बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा रखकर करवे में गेहूं व उसके ढक्कन में चीनी तथा नगद रुपए रखें। फिर उसे रोली मौली से बांधकर गुड़ चावल से पूजा करें। फिर 13 बार करवे का टीका करके उसे 7 बार पाट के चारों ओर घुमाएं तथा तब श्री गणेश जी की मूर्ति या पिंडोल रखकर उसे रोली, गुड़ व चावल चढ़ाएं। हाथ में 13 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू जी के पांव छुएं। तदुपरांत वह 13 दाने गेहूं व लोटा यथास्थान रख दें। रात होने पर चांद देखकर चंद्रमा को अर्घ दें। इस प्रकार करके प्रसाद खाकर व्रत करने वाली स्त्री व्रत खोले। करवा चौथ का व्रत करने वाले को चाहिए कि बहन और बेटी को भी व्रत की सामग्री भेजे। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से है कि एक सौकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। और बहन ने जब अकेली अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू कहना और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने वही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। और जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा उसका पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले।
जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई, आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। और जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरा पांव पकड़ के क्यों बैठ गई। तब बहन बोली, जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया, तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उजमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ मासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से सौकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें, यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है, यही कथा है। बोलो करवा माता की जय। यह कथा जो है सुन करके और फिर आप जो है अपने सासू माँ को जो भी देना चाहें, श्रद्धा युक्त और प्रेम भाव से उनके चरण छू करके उनको जो है दें, जिससे आपका सदैव सुहाग बना रहेगा। पुरातन कहानी भी है, पुरातन कहानी के हिसाब से देखो तो जब जीवन के साथ में जुड़ा हुआ भगवान के साथ का संबंध है, भगवान के भाव का यह जीव जीवात्मा के साथ जुड़ करके और पति प्रेम के प्रसंग में आनंद की प्रतिभूति है। इस दिन विशेषता है जब चंद्रमा निकलता है, किस समय निकलता है, विभिन्न जगहों का अलग अलग परिवेश दिया हुआ है। विशेषता है चंडीगढ़ अंबाला में यह 8:27 पे निकलेगा और ऐसे ही जयपुर में जो है इसका समय दिया गया है, जयपुर में इसका समय दिया हुआ है 8:25 पे। इसी प्रकार से जगह जगह में अमृतसर दिल्ली में इसका समय दिया गया है 8:33 पे, मुंबई में इसका समय दिया गया है 8:32 पे। 1-2 मिनट का आगे पीछे फर्क रहता है, पर विशेषता है 8:30 के बाद यदि आप चंद्रमा को देख करके, अर्घ दे करके और पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए चंद्रमा का ध्यान करें और तब जो है व्रत को खोलें तो परमपिता परमेश्वर की तरफ से आपके पति का दीर्घायु होगी और आप पति पत्नी में एक अटूट प्रेम रहेगा, जिस प्रेम के द्वारा यह संबंध और प्रगाढ़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ फिर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।